नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज चल रही है कोर कमांडर स्तर की बैठक। सैनिकों के पेंगोंग सो के फिंगर पॉइंट से पीछे हटने की प्रक्रिया पर हो रही बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। गृहमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। बागेश्वर जिले के गरुड़ में 31 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 2996 एक्टिव केस। रुड़की उप कारागार में महिला कैदियों ने बनाई राखियां। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की पहल। कोरोना संक्रमण के कारण त्योहार पर राजधानी देहरादून के बाजारों में नहीं दिखी रौनक। और नैनीताल जिले के लाल कुआं में बढ़ाई जाएगी दूध प्लांट की क्षमता। दुग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा केंद्र सरकार की मदद से 1,00,000 लीटर उत्पादन क्षमता का लगाया जाएगा हाईटेक प्लांट। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद से जुड़े विषय पर दोनों पक्षों के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 5वीं बैठक चल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर मोलदो में सैन्य अधिकारियों के बीच इस वार्ता में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच लगभग 2 घंटे फोन पर बातचीत हुई। चीनी सेना गलवान घाटी और टकराव वाले कुछ अन्य स्थानों से पहले ही पीछे हट चुकी है, लेकिन भारत की मांग के अनुसार पेंगोंग सो में फिंगर इलाकों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शुरुआती लक्षण मिलने पर उन्होंने टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। गृहमंत्री ने उन लोगों से खुद को आइसोलेट करने और अपनी जाँच कराने का अनुरोध किया है जो कुछ दिन पहले उनके संपर्क में आए हैं। बागेश्वर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल शनिवार को गरुड़ क्षेत्र में 31 संक्रमित लोग मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को कोविड 19 के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। एक साथ अचानक बहुत बड़ी संख्या में मरीज पॉजिटिव आए हैं। जैसा आपने बताया 31 मरीज पॉजिटिव आए थे। इन 31 में से एक हमारे CHC बैजनाथ की स्टाफ नर्स थी जो कि अपने घर में है पिथौरागढ़, तो उनका तो वहीं इलाज हो रहा है। यहाँ हमारे पास 30 मरीज पॉजिटिव जो कल देर रात आए हैं। हमारे इस कोविड सेंटर में हमने 12 मरीज रखे हैं उनमें से, और पुराने हमारे पास 3 थे तो कुल यहाँ 15 मरीज हैं। 4 बेड हमने खाली अभी छोड़ रखे हैं ताकि अगर किसी मरीज को कोई लक्षण या दिक्कत होती है तो उनके लिए बेड की व्यवस्था बनी रहे। इससे पहले कौसानी के सिग्नल रेजिमेंट में 14 सेना के जवान कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं कल प्रदेश में 264 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब राज्य में 2996 एक्टिव केस हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। रुड़की उप कारागार में बंदी महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व के लिए जेल में राखियां तैयार की हैं। रुड़की तहसील परिसर में स्टॉल लगाकर उनकी बनाई राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई। रुड़की की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल की गई है। एक सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित उप कारागार में महिला कैदियों द्वारा राखियां तैयार की गई हैं। इसके साथ ही मास्क आदि सामग्री भी जेल में कैदी ही तैयार कर रहे हैं। कारागार में महिला बंदी हैं, मेरे से महिला बंदी हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी गई थी। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से उन्होंने राखियां बनाई हैं। ये पूरे सप्ताह भर में उन्होंने अपनी रचनात्मकता को दिशा देते हुए उनको स्वावलंबी बनाने के दिशा में प्रयास किया गया है। उसी का फल ये है कि ये सभी राखियां महिला बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से तैयार की गई है मात्र एक सप्ताह की अवधि में। तो उसी की प्रदर्शनी आज तहसील परिसर में लगाई गई है। तो यह संदेश भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपसे आत्मनिर्भर बने।
कोरोना महामारी के दौरान त्योहार पर बाजार में उम्मीद से कम भीड़ नजर आ रही है। संक्रमण से बचने के लिए इस बार ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन राखियां खरीदी हैं। राजधानी देहरादून के मुख्य बाजार में भी रौनक नहीं है, कम संख्या में ही लोग बाजार का रुख कर रहे हैं। हालांकि दुकानदार कोविड 19 के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इसकी बार इतना काम नहीं है, सभी को पता है कोरोना की वजह से मार्केट में इतनी पब्लिक नहीं है, बायर नहीं है, जो भी है शायद ऑनलाइन हो रही हो, वैसे ही डर के मारे इतना कस्टमर नहीं है, पब्लिक नहीं है मार्केट में। बाकी चाइना का तो कुछ भी सामान नहीं है, पहले भी नहीं आता था इतना, इस बार तो ज़्यादा है। इस बार कोरोना के कारण कई परिवार साथ में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना रहे हैं। जो बहनें हर साल अपने भाइयों के घर जाती थी, इस साल वो ऐसा नहीं कर सकेंगी। वैसे हर ईयर हमें चंडीगढ़ जाना होता था राखी के लिए, बट इस ईयर लॉकडाउन की वजह से हमें यहीं पर सेलिब्रेट करनी पड़ रही है राखी, दैट्स व्हाई वी आर हियर ओनली। और आजकल शॉप्स में यही हो रहा है कि अगर राखी लेनी है तो क्या कहते हैं, मास्क पहनो, दैट्स ऑल। और जो चंडीगढ़ भिजवानी थी राखी, वो हम कुरियर कर चुके हैं। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ यहाँ देहरादून में। एक्चुअली पहले क्या होता था कि बहन लोग आ जाती थी लेने के लिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो लोग गाँव में फंसे हैं तो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और मैं राखियाँ लेके आ और वहाँ तक जाऊँगा उनके यहाँ पे, फिर पहनूँगा राखियों को। और यहाँ पे लेने के लिए सैनिटाइज प्रॉपरली किया जा रहा है, और जैसे कि पहले यहाँ पे चाइना से काफ़ी राखियाँ आती थी, और इस बार देखने को मिला काफ़ी राखियाँ नहीं आ रही हैं वहाँ से। अभी इंडिया की जो राखियाँ बन रही वही यहाँ से हमको मिल पा रही हैं, और जो काफ़ी अच्छा भी है हमारे लिए। नैनीताल जिले के लालकुआ के दूध प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। लालकुआ दुग्ध संघ के प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे दुग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लालकुआ में राज्य का सबसे बड़ा दूध और दूध के पदार्थों का उत्पादन प्लांट है, जो काफी पुराना हो गया है। अब केंद्र सरकार की मदद से जल्द यहाँ पर 1,00,000 लीटर उत्पादन क्षमता का हाईटेक प्लांट लगाया जाएगा। और ये जो लालकुआ हमारी डेयरी है, इस समय हम ये प्लांट हमारा लगभग 25-30 साल पुराना हो गया। अब हमने 90-10 के रेशो में यहाँ इस साल जो है भारत सरकार को DPR भेजे हैं, मेरी भारत सरकार के मंत्री जी से भी बात हो गई है, और इसका पूरा मास्टर प्लान बना के 1,00,000 लीटर के हम यहाँ पे आदमी भेजे हैं। दुग्ध विकास राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से चला रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दुधारू पशु योजना शुरू की गई है, जिससे पशुपालकों को काफी फायदा होगा। ये जो हमारा दुधारू पशु योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस समय हम जो भी डेयरी हमसे दी उसको हम साइलेज में 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और जो भाड़ा है साइलेज का वो भी सरकार भेज रही है। और इतना नहीं, हम पर लीटर पे 4 रुपये प्रोत्साहन राशि भी अपने काश्तकारों को दे रहे हैं। अगर कोई हमको एक दिन में 10 लीटर दूध देता है तो 40 रुपये सरकार जो है उसके खाते में जो है सरकार की तरफ से भी जाते हैं। तो किसानों की आय दोगुनी करना, डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना एक सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य है। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए गठित विवाद निवारण समिति यानी DRC के जरिए उधमसिंह नगर जिले में कई समस्याओं का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तहसील दिवसों में या जनता दरबार में प्राप्त होने वाली शिकायतों का DRC के जरिए समाधान करने की कोशिश की जाती है। जिले में पिछले 3 सालों में कुल 263 मामलों को DRC के तहत सुना गया। इनमें 187 मामलों का समाधान किया गया, जबकि 76 मामलों में कार्रवाई की जा रही है। निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि DRC के तहत दो पक्षों के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने की कोशिश की जाती है। DRC का कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से किया गया कि SDM और CU सब डिवीजन के अंदर हर जो हमारा मंगलवार को तहसील दिवस होता है, उस दिन तहसील दिवस के बाद में SDM CU बैठते हैं, और जो भी DRC के मामले आएंगे उन सभी DRC के मामलों पे वो अपनी सुनवाई करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा इस प्रकार का कोई अगर डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड है तो लैंड की भी टीम वहीं पर होती है, पटवारी होते हैं, उनको सुनवाई की जाती है।
उसी के हिसाब से अगर कोई पुलिस का मामला आता है कि किसी की पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई इस तरह का पास क्रिमिनल डिस्प्यूट है या कोई एफआईआर हो रखी है, तहरीर दी हुई है, उनको भी निकाल लिया जाता है और उस पूरे मामले का एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के हिसाब से टेक्निकली वो किया गया है कि जिसका कोई अन्य चीज पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। डीआरसी के जरिए लोगों के पैसे और समय की बचत हो रही है। लाभार्थियों का कहना है कि ये सरकार की अच्छी पहल है। आपसी वाद विवाद था जमीन के मैटर को लेके, जिसका निवारण डीआरसी के माध्यम से किया गया है। डीआरसी एक ऐसा माध्यम है जिसके उससे दोनों आपसी वाद विवाद, दोनों पक्षों का वाद विवाद समाप्त हुआ है। इससे समय और धन दोनों की बचत है। या डीआरसी आम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना सरकार द्वारा लागू की गई है। मेरे यहाँ पे जमीन को लेके एक विवाद था जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। सारी जगह जाके कुछ भी उसका निर्खाशित नहीं निकल रहा था, तो मैं जन सुनवाई में गई जिला अधिकारी के पास में। वहाँ पे जाके मैंने अपना पत्र दिया। पत्र देने के बाद में उन्होंने डीआरसी के माध्यम से मेरी जो भी दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त को उन्होंने सुना। सुनने के बाद में मेरा जमीन मेरे को मिल गया। विवादित की जो भी जगह थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। राज्य के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार के उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। आज स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों के लिए श्रम कानूनों में कुछ ढील दी गई है। उनके लिए पर्यावरण से संबंधित परमिट में भी शिथिलता रखी गई है। हम ऊंचे मनोबल के बलबूते पर अपने रिसोर्सेज का नए तरीके के साथ कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं कि जिससे अपने आप को भी संभालें, अपनी इंडस्ट्री को भी संभालें और रोज़गार कम होते हुए रोज़गार को भी गिरने न दें, उसको भी संभालें। श्रम कानूनों बहुत शिथिलीकरण किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में हमने उनको NOC के लिए, उनके क्लियरेंस के लिए उनके ड्यूज थे उनको माफ़ कर दिया है। बिजली के क्षेत्र में तमाम हमने ऐसे तमाम प्रोग्राम हमने दिए हैं। स्किल से संबंधित इंडस्ट्री के साथ तालमेल बैठाने का हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज चल रही है कोर कमांडर स्तर की बैठक। सैनिकों के पेंगोंग सो के फिंगर पॉइंट से पीछे हटने की प्रक्रिया पर हो रही बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। गृहमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। बागेश्वर जिले के गरूब में 31 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 2,996 एक्टिव केस। रुड़की उप कारागार में महिला कैदियों ने बनाई राखियां। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की पहल। कोरोना संक्रमण के कारण त्योहार पर राजधानी देहरादून के बाजारों में नहीं दिखी रौनक। और नैनीताल जिले के लालकुआं में बढ़ाई जाएगी दूध प्लांट की क्षमता। दुग्ध विकास राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा केंद्र सरकार की मदद से 1,00,000 लीटर उत्पादन क्षमता का लगाया जाएगा हाईटेक प्लांट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।